वेलकम टू माय चैनल। तो आज बना रही हूँ मैं समर स्क्वैश, इसको हिंदी में चप्पन टिंडे भी कहते हैं। इसको ऊपर नीचे से काट के इसके हम स्लाइस काट लेंगे पतले पतले। ये काटने में बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत इजीली कट जाते हैं। ये इनको ऊपर से छीलने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम ऐसे ही काटेंगे। ऐसे करके मैं एक एक करके मैंने सारे चप्पन टिंडे काट लिए हैं। इसमें हम पानी डाल के इसको हम अच्छी तरह से धो लेंगे। धो के इसका पानी सारा हम स्ट्रेन कर लेंगे। अब हम एक कटोरी में पानी लेंगे, उसमें डालेंगे हम 2 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, ये होममेड है, और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। मिक्स करने के बाद हम प्याज और टमाटर काट लेंगे। अब एक कढ़ाई में तेल गरम करके इसमें हम डालेंगे ज़ीरा, सूखा धनिया, 1 चम्मच डालेंगे इसमें हम मेथी दाना, और बाद में कटे हुए प्याज। प्याज डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से चला लेंगे। अच्छी तरह भूनने के बाद इसमें हम डालेंगे अब टमाटर। टमाटर डालने के बाद भी इसको अच्छी तरह से चला लेंगे, और जो हमने मिक्सचर बनाया था इसको हम अब डाल देंगे मसाले के अंदर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको हम। इसको भूनने के बाद डालेंगे इसमें हम चप्पन टिंडे। इसको हम अच्छी तरह से इस मसाले के अंदर मिक्स कर लेंगे। चप्पन टिंडे की सब्जी ये बहुत हेल्दी होती है, और ये गर्मी स्टार्ट होने से पहले आती है फरवरी मार्च में। इसको हमने फुल फ्लेम पे पहले पकाना है, क्योंकि ये सब्जी अपना पानी छोड़ देती है, और उसके बाद इसको हम स्लो फ्लेम पे रोस्ट करते रहेंगे और हमारी सब्जी हो गई है तैयार।